हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आपके पास विंडोज़ पीसी में, विंडोज़ 10 में या फिर विंडोज़ 11 में इमेज करप्ट हो गई है, इमेज ओपन नहीं हो रही है। कोई भी फोटो जो है, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर से एक एरर आता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर फोटो को जो है ओपन कर कर बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो को जो है ओपन कर लेता हूँ तो इसमें जो है एरर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अभी शो करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द HEVC वीडियो एक्सटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द फाइल। तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो आप जो है यहाँ पर इसको सल्यूशन क्या है, तो अभी मैं यहाँ पर जो है इसको क्लोज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अब जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर HEVC सर्च किया हूँ सर्च बार में। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको जो है आपको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर गेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाता है तो आप जो है इसको जो है यहाँ से क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आप जो है फ़ोटो या फिर इमेज को जो है ओपन कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।